गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? तो उद्योग। ये पूरी दुनिया के बारे में जो उद्योग हैं, जैसे कि लौह इस्पात, पेट्रोली, कोयला उद्योग, सूती उद्योग, बहुत सारे रंग बिरंग के जो उद्योग हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें एक आधारभूत जानकारी मिल जाएगी। अतः हम आशा करते हैं कि आप स्किप न करेंगे इसको और कोशिश करेंगे देख लेने का। प्लीज़ देख लीजिएगा, भविष्य में काम देगा। तो शुरू करते हैं। और ये क्या है? तो NCERT का जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे उसी में ये क्लास 8 का 5th चैप्टर है। और इसके बाद एक और आएगा, वो ह्यूमन रिसोर्स रहेगा। क्लियर है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने का कि अभ्यास पुस्तिका यानी जो कॉपी इस्तेमाल कर में लाते हैं और विनिर्माण, याद कीजिए, विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, जैसे ये देखिए बांस से बनता है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संशोधित यानी रिफाइंड किया जाएगा एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है ताकि वो खराब ना हो और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और हमारे पास आता है। और हम लोग बचपन में न जाने कितने कॉपी कागज फाड़ कर बिक दिए थे। देखिए यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही की का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है और इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाज़ार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके सामने आता है। अब देखिए हम लोग क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, इसे पहले पढ़े थे हम लोग कृषि। तो देखिए जो कार्य होता है पूरी दुनिया में तीन तरह का होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, या प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया मतलब क्या? वैसा क्रिया जो सिर्फ और सिर्फ या समानतः कृषि पर आधारित हो या जो सीधे प्रकृति से सीधे खन लिया जाए, निकाल लिया जाए, बस वही प्राकृतिक क्रिया। जैसे कृषि उद्योग, उद्योग धंधा नहीं होगा, खनन जो सामान खनन और वो जंगल से पेड़ कुछ माइनर प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया जाए, लकड़ी काट ली जाए, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, जो भी है, ये सब प्राथमिक क्रिया है। अब द्वितीय क्रिया क्या है? कि जो प्राथमिक क्रिया के जो उत्पाद हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी कारखाने, जैसे कि खनिज निकलता है कंपनी लोहा या स्कूबा, इसको प्रसंस्कृत कर दिया जाए। जो कृषक गेहूं उपजाया इसको रोटी में, इसको बिस्कुट, बेकर, ब्रेड आदि चेंज बदल दिया जाए। जो कृषि के जो उत्पाद हैं, फल फूल हैं, इसको एक खाद्य पदार्थ में बदल दिया जाए, प्रसंस्कृत कर दिया जाए। ये सारे काम जहाँ होंगे वह सेकेंडरी यानी द्वितीय क्रियाकलाप होता है, यानी वहाँ पर विनिर्माण कार्य होता है और यह महत्वपूर्ण है। लेकिन दुख की बात है कि भारत इसको बाईपास कर गया। भारत में लोग पहले कृषक था, अभी भी कृषक है, और कृषक का बेटा डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? तो ले ओ, अब ये चला जाता है सेवा क्षेत्र में डायरेक्ट। अब यह नौकरी करेगा, टीचिंग करेगा, बीमा काम करेगा, किसी भी जगह बाहर में बैठकर काम कर लेगा आराम का काम, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में न जाएगा। तो यही भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का कमज़ोर हो गया, जिस कारण भारत आज गरीब है। भारत उतना विकसित न हो पाया जितना विकसित इसको होना चाहिए था। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हम लोग क्या देखें इसमें कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरण को प्रदर्शित करते हैं। और उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं के की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित, तथा पर्यटन क्या हो गया तो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन कोरोना के चक्कर में सारे पर्यटन उद्योग और सबके सब धराशायी हो चुके हैं अभी। अब उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। अब इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कच्चा माल। तो पढ़ते हैं, क्लियर है? तो कहाँ थे हम लोग? कच्चा माल के बारे में। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित हो सकता है, खनिज आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित हो सकता है और वन आधारित हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग,
तो देखते हैं, सबसे पहला उद्योग कृषि पर ही आधारित उद्योग होगा। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। वहीं खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जैसे अब जो अयस्क, जैसे लोहा पर जहाँ पर लोह प्लांट होता है, जो लोहे के अयस्क से आयरन ओर से आयरन बनाता है, अब वो आयरन जाएगा अलग वहाँ ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। ऐसा थोड़े कि वही जो प्रथम जहाँ आयरन ओर का शोधन हो रहा है वही सब कुछ बना दे, तो यही बात है। ये दूसरे जो उद्योग हैं उनके लिए प्राथमिक उत्पादन का काम करते हैं। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण यानी उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। इसी तरह समुद्र आधारित उद्योग जैसे सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। मछली का तेल या लोग समुद्र से वेल पकड़ेंगे और उसका तेल का बहुत बड़ा मार्केट होता है। और वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब आगे देखिए, अब आकार के हिसाब से उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश यानी उसमें जितना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, एक लघु आकार के उद्योग स्मॉल, दूसरा बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग में लेबर अधिक लगता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग होते हैं। वहीं ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी उद्योग ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं, यानी इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब तीन प्रकार ही ना हो सकता है, या तो किसी का पूर्ण निजी होगा, या तो पूरा सरकारी होगा, या कोऑपरेटिव होगा, यानी कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट होगा। तो देखते हैं स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहीं LIC, ऐसा सार्वजनिक है। वहीं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व कैसे होगा? स्वामित्व और संचालन राज्य और राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ये देखिए सुधा, जो दूध मिलता है बाजार में ब्रांड नेम सुधा नेम से, ये क्या है? तो यह भी सहकारी क्षेत्र का। इसमें क्या होता है, जो टॉप मोस्ट वो बैठा हुआ कर्मचारी है वो सरकारी है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो दूध पहुंचाने वाला है और जो कॉन्ट्रेक्टर है, गाड़ी चलाने वाले हैं, ये सब प्राइवेट आदमी रहता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण था, लेकिन अब न है। क्यों भाई? क्योंकि अब ये सुजुकी इसको खरीद लिया। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के अच्छे उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए, उद्योग जब होगा तो उद्योग की अवस्थिति यानी उसको बनाने के लिए क्या क्या कारक चाहिए, कैसे उद्योग का निर्माण होगा और किस परिस्थिति में होगा, उसके लिए क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहली व्यवस्था, उद्योग चाहिए आपको तो सबसे पहले तो आपको पैसा होना चाहिए, एक नंबर।
अब पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा है तो इसी उद्योग होगा। उसके बाद जब पैसा है तो उसके लिए अब आपको जमीन चाहिए। जमीन अब केवल जमीन होने से ना होगा, जमीन है तो उसके लिए अब आपको वहाँ पर लेबर चाहिए, श्रम। अब केवल श्रम होने से ना होगा, श्रम के साथ साथ कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल तो हो गया, ठीक बात है। अब उसके लिए अब आपको अब क्या चाहिए, अब परिवहन की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अब परिवहन भी है, सब कुछ है, तो अब क्या होगा, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए हमको अब विद्युत चाहिए, बिजली, आखिरकार पावर भी चाहिए ना, और जल चाहिए, पानी बहुत अधिक मात्रा में लगता है। फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब संचार की व्यवस्था पते ना है तो हम बाज़ार से कैसे संपर्क करेंगे। अब सब कुछ संचार व्यवस्था है तब हमको बाज़ार भी चाहिए। इसलिए एक उद्योग की और अवस्थिति संबंधी इतने कारक हैं। अगर कहीं एग्जाम में कोई मेन में क्वेश्चन चला है कि उद्योगों के अवस्थित संबंधित कारक या उद्योग बताइए कि उसको स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक है, अगर इस तरह का भी डायग्राम बना दिया जाए तो आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध सुनिश्चित कर देती है, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। अब आगे देखिए, औद्योगिक तंत्र यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम। औद्योगिक तंत्र में निवेश, इन्वेस्टमेंट, पराक्रम, भाई साहस तो चाहिए ना, काम करेंगे तब ना कुछ होगा, फिर निर्गत शामिल होते हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत होगी, यानी कच्चे माल और श्रम और भूमि की लागत होगी, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल होती है। क्लियर है? परक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत क्या होगा, लास्ट अंतिम उत्पाद है और इससे अर्जित आय है, अंत में ही जो आय होगी वो अर्जित होगी। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। पर कर्मों में क्या होगा भाई, काम कैसे होगा, सबसे पहले ओटाई होगा, यानी जो कपास की खेती होगी, जो फूल निकलेगा उसको तोड़ेंगे, उसको ओटाई कहते हैं। फिर इस फूल को कटाई किया जाएगा, कटाई छटाई होगा और उससे सूत बनेगा। फिर सूत का क्या होगा, उसका बुनाई होगा, बुनाई का तो रंगाई होगा, फिर जब रंगाई हो तब छपाई होगा। अब क्या होगा, अंत में वो कमीज जो बाहर आएगा वो भी कमीज के रूप में ना आएगा, वो एक कपड़े की सीट की तरह रहेगा जो बाद में टेल्डिंग मशीन के पास जाएगा तो वहाँ पर इस तरह से बना दिया जाएगा। इसमें हाथ निकाल देंगे, पॉकेट होगा, बटन लगा देंगे, चलिए भाई सट हो गया। अब इतने सारे काम होते हैं। अब देखिए औद्योगिक प्रदेश, अब सलूक हम जान गए, अब देखते हैं औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल एरिया। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश प्रायः पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः टेम्परेट शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र जहाँ है उसके पास, समुद्री पथों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थापित होते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरे दुनिया का मैप है और इसमें देखिए कहाँ कहाँ औद्योगिक प्रदेश है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये अमेरिका चलते हैं, ये पूरा उत्तर अमेरिका है। अमेरिका में सबसे अधिक औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, पूर्वी अमेरिका देख लीजिए। यहाँ पर छोटा से थोड़ा सा कनाडा का क्षेत्र है और बाकी सबका सब अमेरिका, यानी इसको कहा जाता है एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग देखिए कितने बड़े स्तर पर होता है। इसी तरह डेनवर और वैंकूवर, और ये कहाँ है, तो वैंकूवर आपको मिलेगा, वैंकूवर और सिएटल पश्चिम अमेरिका की बात है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो, ये सब कहाँ है, तो ये अमेरिका की बात हो रही है। और मैक्सिको और अमेरिका के तट पर गल्फ तट, और यहाँ पर फ्लोरिडा वाली इलाका है, और मैक्सिको सिटी है, और ये मध्य अमेरिका यहीं पर पनामा है, और ये काराकास यानी वेनेजुएला, वेनेजुएला जो कभी अमीर हुआ करता था आज ये उतना अमीर ना है, और बोगोटा ये कोलंबिया और वेनेजुएला बॉर्डर पर स्थित है। इसी तरह यहाँ पर बहिया बलंका चलता है जो ब्राज़ील में एक, इसको कहा गया है कि ठंडी जलधारा है। यहाँ पर बहिया तट, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील के पास एरिया रियो डी जेनेरो है, वहाँ की बात हो रही है। और फिर यहाँ देखिए ब्यूनस आयर्स क्षेत्र कहाँ है, तो
अर्जेंटीना की बात हो रही है। ये सब क्षेत्र क्या हैं? तो विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए जो ब्लैक से है वो औद्योगिक प्रदेश है, और ये हल्का डीप है कलर, ये क्या है? तो विश्व की औद्योगिक पट्टी है। तो पूरा जो अमेरिका है पूरा का पूरा ही विश्व की औद्योगिक पट्टी है। इसी तरह जो औद्योगिक पट्टी है, देखिए यहाँ पर पूरे यूरोप से शुरू होता है, ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से होते हुए डायरेक्ट पूरे यूरोप को होते हुए तुर्की को एक्सक्लूड कर दीजिए और पूरा अरब को हटा दीजिए इसमें से, और होते हुए कहाँ आता है? तो पूरे चीन होते हुए कहाँ जाएगा? मध्य एशिया होते हुए यानी कजाकिस्तान, और डायरेक्ट चीन होते हुए ये दक्षिण कोरिया, और कहाँ जाएगा? जापान के पास तक पहुँचता है, इसमें इंडिया नहीं आता है। भारत में इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे गंगा घाटी, मुंबई, अहमदाबाद कॉरिडोर, चेन्नई, ये सब हैं, लेकिन इस पर भारत पूरे औद्योगिक प्रदेश में नहीं आता है। यहाँ पट्टी नहीं, भारत में प्रदेश है। और पिट्सबर्ग ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भी देखिए जर्मनी और फ्रांस के दोनों जो बॉर्डर इलाका है, और जो यहाँ पर क्या है, तो स्पेन है, और स्पेन नहीं, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, ये सब के सब औद्योगिक बहुत बड़े पट्टी हैं और प्रदेश भी हैं। इसी तरह अफ्रीका का जो पश्चिमी और उत्तरी किनारा है, यहाँ पर जो अल्जीरिया मोरक्को का तट है, ये सब यहाँ पर भी क्या है, तो औद्योगिक इलाका है। इजराइल और इराक का जो बॉर्डर है, इजराइल है, इराक है, और यही जॉर्डन की सीमा पर थोड़ा सा मिस्र का काहिरा इलाका, ऐसा क्या है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है। इसी तरह नाइजीरिया यहाँ तेल की के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ये आपका मनीला हो गया, मनीला में क्या है, तो एडीबी का मुख्यालय है। और गुआंगझाउ, वुहान प्रदेश, शंघाई, ये सब कहाँ है, तो चीन के प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये जावा है, पहले यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी थी, अब यहाँ से हटकर कहाँ चली गई, तो बोर्नियो द्वीप पर कालीमंटन में चली गई है। क्लियर है। अब ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं, ये ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। देखिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में सबसे अलग है, ब्रिस्बेन वहीं कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन मिलेंगे आपको, तो मेलबर्न, सिडनी, ये सब दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश यानी कलकत्ता वाला, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये सब के सब भारत में ही याद कर लीजिए इतना। और औद्योगिक विविधता, अब जब उद्योग बनेंगे तो जब मानव काम करेगा तो मानव तो भूल करता ही है, तो मानव विपत्ति ला ही देगी, तो देखिए क्या करेगी मानव। तो उद्योगों में दुर्घटना या विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे की बात है, रात को, अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग तो बच गए, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रस्रोत विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर इसे लाखों लोग प्रभावित हुए थे। अभी आप भोपाल जाइएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन से अगर कहीं जा रहे हैं आप, तो आपको रास्ते में इसी तरह मिलेगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया और पूरा बंद पड़ा हुआ है। आगे देखिए 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकाओ चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट हो गया था, यानी जहाँ से गैस निकलता था। 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। और जोखिम कम करने के उपाय, 1, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। 2, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान ही नहीं होगा तो लोग क्या खाक करेंगे। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। इतना तो पढ़ लिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। पहले देख लेते हैं यहाँ पर, क्या आप जानते हैं बताइए,
उभरते हुए उद्योग, उसको क्या, उसको कहा जाता है सनराइज उद्योग, यानी वो अभी सूर्योदय हो रहा है, और जो लास्ट होगा उसको क्या कहा, उसको कहेंगे सनसेट, यानी अब गया काम से। तो इसमें क्या आता है सनराइज में, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार यानी टूरिज्म यानी होटलिंग यानी कैटरिंग, और ज्ञान यानी एजुकेशन से संबंधित उद्योग अभी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, और दुनिया में प्रमुख जो उद्योग हैं उनका वितरण देखते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, वहीं वस्त्र उद्योग के लिए प्रशिक्षित भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी और भारत में उसी का कॉपी बेंगलुरु घाटी या बेंगलुरु क्षेत्र। अब शब्दावलियाँ देख लेते हैं। प्रगलन क्या है भाई? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यानी उसको हम लोग गला देंगे। अब गला के क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसमें चूना पत्थर कुछ क्रिया करेंगे जिससे वो अलग रह जाए या नीचे जम जाए और जो गला पदार्थ है धातु वो बाहर चला है। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। देखते हैं, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश और पराक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए निवेश में श्रम चाहिए, मेहनत करना होगा भाई, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए और जगह तो चाहिए ही, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा अयस्क भी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोहा अयस्क कारखाना पाकिस्तान में और लोहा कहाँ से लाएंगे, अफगानिस्तान से तो ना होगा भाई। कोयला और चूना पत्थर एक कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हों तो प्रायः अधिकतर सामान निकट ही उपस्थित हो। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में शामिल होती है या घटती है। कच्चे माल को पहले झोंका यानी भट्टी में रखा जाता है जहां इसको गला दिया जाता है, प्रगलित होता है, हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद यह परिशोधित यानी अभी बाद इसको रिफाइन किया जाएगा, साफ किया जाएगा। प्राप्त उत्पाद इस्पात कहलाता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। देख लेते हैं, सबसे पहले एक कोयला है, 8 टन कोयला चाहिए हमको। उसके बाद सिंपल कोयला जलाएंगे और 4 टन ये इस्पात का अयस्क है, इन दोनों को एक भट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर उसके बाद में 1 टन क्या होगा, तो चूना पत्थर मिलाकर इसको सबको भट्टी में जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा और जब गलेगा तो अंत में 1 टन इसमें चूना रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि गंदगी अलग रह जाती है और मात्र 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। क्लियर, यानी कितना समझे, तो 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, यानी 1, 5, 8, 13 टन खर्चा होगा तो 1 टन इस्पात निकलेगा बस। आगे बढ़ते हैं, और यही इसी तरह का भट्टी रहता है। इसमें देखिए, यहाँ से नीचे से कन्वेयर बेल्ट है, इससे जाएगा सामान ऊपर और भट्टी से ऊपर से नीचे डाल दिया जाएगा। इसमें लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोको मिश्रित करके या पीस कर इसमें डाला जाएगा। ये झोंका भट्टी है, यहाँ पर क्या होगा, गर्म हवा, बहुत अधिक गर्म वायु इसमें से इंटर करती है जिससे ये गल जाते हैं, और गलने पर क्या होगा, जो धातु मल जो झाग उत्पन्न होगा चूना के कारण, ये धातु मल ऊपर आ जाएगा जो गंदगी के रूप में इसको गैंग कहते हैं, और यह बाहर इस अपोजिट साइड में निकलेगा, और जो प्रगलित लोहा है प्योर है भारी है नीचे इस तरह निकाल लेंगे हम लोग। इस यही झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस बात तक इसी तरह झोंका भट्टी काम करता है। आगे देखिए, मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी पहले इस्पात इतना मजबूत न था, इतना जंगरोधी न था, लेकिन जो इसमें मिला दिए जाएंगे कुछ कुछ मात्रा में तब यह बहुत कठोर हो जाएगा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा, दृढ़ है भाई और जंग प्रतिरोध होगा, यानी इसमें जंग न लग पाएगी। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएँ जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी,
ट्रक और ऑटो अधिकांश तो इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से ही बनी हैं। तेल कूप, यानी तेल कूप ऐसे होगा क्षेत्र है, तेल तो बहुत गहरे खाई में मिलता है, बहुत नीचे। इसको पैसा नहीं है कि पूरे होल का क्षेत्र जेसीबी ले जाएंगे और मिट्टी खोद देंगे और तेल निकालेंगे, नहीं होगा। इसके लिए पाइप से ड्रिलिंग की जाती है। तो तेल कूप के लिए जो पाइप रहता है वो भी इस्पात के बनी से बनी मशीनों से ही बेधित किया छिद्र किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से ही तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के ही बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा भी इस्पात का ही बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था, लेकिन बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट था। यानी कोयला क्षेत्र तो नदी के नज़दीक रह ही गया, लेकिन अब नदी की जगह नहर आ गए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब रेलवे की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने लगे, क्योंकि अब रेल आ गया था तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात कराना पड़ता था। अब कैसे आया सो तो समुद्र है तो जहाज चलाएगा। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ है। भारत की बात हो रही है, भारत में तो श्रमिक सस्ता है, हर कोई जानता है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। ये जो चार राज्यों में फैले हैं, इसमें चार राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और सबको सब छोटा नागपुर प्रदेश में ही पड़ते हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, मात्र अलग हैं। भद्रावती और विजयनगर कहाँ तो कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं छूट गया वो कौन। यहाँ देखिए एक नंबर 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति यहाँ है भाई, ये डायरेक्ट खनेंगे हम लोग, नदी भी है पानी भी, कोई टेंशन नहीं, निकाल देंगे। 1850 से 1900 के पास 50 तक अब ये नदी से तो दूर हो गया क्योंकि अब नहर से हम लोग पानी ले लेंगे, रेल लाइन से भी कुछ सामान पहुँच जाएगा अतः, लेकिन अभी भी यह खनिज जहाँ निष्कर्षण होता है वहीं पर स्थित था। लेकिन वर्तमान में अब यह पोर्ट केंद्रित हो गया है, अब यह समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि कारण यहाँ पर आयात और निर्यात ही न महत्वपूर्ण, अब बाजार महत्वपूर्ण हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ये दुनिया के प्रमुख क्या हैं? तो प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं, याद कर लीजिए ये महत्वपूर्ण है। तो लौह इस्पात उत्पादन में आपका अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, खास करके फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और यहाँ पर जापान, चीन, भारत, रूस का बीच का साइबेरिया वाला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण इस इलाके हैं। आगे देखिए, अब भारत में हम लोग जमशेदपुर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था जिसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जो टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। ये देखिए, यह साक्ची में मतलब जो टाटा यानी टिस्को जहाँ स्थित है उसका एक रेखा चित्र है। ये आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, स्वर्ण रेखा नदी ये है और ये खरकई नदी है। क्लियर है? इसी के बीच में टाटा आयरन स्टील प्लांट है और इन्होंने पूरा एक पूरा का पूरा एक शहर ही मसा दिया। देखिए यहाँ पर टेलको कॉलोनी है, ट्यूब्स मंडल है, गोल्फ कोर्स है, साक्षी जगह चिड़ियाघर है, गोल्फ कोर्स है, जमशेदपुर में हवाई पत्तन यहाँ पर है, कदमा में है, टाटा मुख अस्पताल है, सामान्य डाकघर है, तो समझ सकते हैं, और रेलवे लाइन भी यहाँ पर है, तो सब कुछ से अटैच जुड़ा हुआ है। अब कल्पना कर सकते हैं कि टाटा ने इसको कितना विकसित कर दिया है। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर
कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूनापत्थर इसको डोलामाइट, चूनापत्थर और डोलामाइट और मैंगनीज भी प्राप्त हो जाता। कहाँ तो उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से, और कोयला कहाँ से तो पश्चिम बंगाल के झरिया क्षेत्र से। वहीं खरकई और सुवर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी मिल गया। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार के उत्पादन का भी उत्पादन संभव हो गया। और भारत में लोहा इस्पात उद्योग का के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर आश्रित हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो जो रीयूज पर ध्यान दिया जाता है, जो इसमें जो पहले से सामान बने हुए हैं, वेस्ट मटेरियल है या जो खराब प्लांट है, उसी का रिसाइकिल किया जाता है। रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं पिट्सबर्ग की बात। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे लोहा पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मीने सोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होती है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलघनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिले हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलघनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग से बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब देखिए क्या आप जानते हैं, बताइए कि ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटोरियो, मिशिगन और ईरी, ये पांच झीले हैं। और पांच झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। यानी ये सबसे पहले सुपीरियर आएगी, फिर यहाँ पर इस तरह मिशिगन है, सुपीरियर, मिशिगन, फिर ह्यूरोन है, फिर ईरी है और अंत में ओंटोरियो है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग, तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं, और मानव निर्मित रेशे में जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयन शामिल है। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम लोग शब्द उत्पत्ति। टेक्सटाइल लैटिन शब्द है, लैटिन के कौन तो टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। अब आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्यंत गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मुसलीपट्टनम या दक्षिण की बात हो रही थी छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा यानी वडोदरा के सुनहरी जड़ी के काम
वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता था। इसलिए अब क्या होगा, परंपरागत वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन न कर सके। जब कंपटीशन न करेंगे, कंपटीशन नहीं कर पाए तो क्या होगा, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यांत्रिकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे, अब वो आगे हो जाएंगे और ये फिसड्डी हो गए। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल भारत में कहाँ था, मुंबई में 1854 में स्थापित की जाती है। अब यहाँ देखिए, कोसन आर्द्र जलवायु यानी थोड़ा गर्म है और ह्यूमिड भी है और तापमान भी अधिक नहीं है। मशीन आयात के लिए पतन था, यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता थी और श्रमिक अच्छे थे, दक्ष थे, निपुण थे। इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव बहुत तेजी से फैलने में सहायक रहा। आरंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से भी तो उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो भारत के वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। आगे थोड़ा देख लेते, छूट गया है वो, कि आप जानते हैं बताइए, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ, तो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन यह न चल सका, बंद हो गया। लेकिन जो बम्बई वाला था यह बहुत दिन टिका और आज भी टिका हुआ है। और आगे देखिए, पूरी दुनिया में वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना में विकसित है, और दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर थोड़ा सा सूडान का क्षेत्र है, और यहाँ देखते हैं हम लोग मेक्सिको में भी थोड़ी सी है थोड़ा सा, और अमेरिका का क्षेत्र है कनाडा में भी होता है, यूरोप में भी क्षेत्र हैं, और भारत में, पाकिस्तान में, एशिया में, पश्चिम एशिया, इसी तरह जापान और पूर्वी चाइना में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र पनप गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक पढ़ेंगे हम लोग सूती वस्त्र में अहमदाबाद और दूसरा देखेंगे हम लोग ओसाका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं, अब देखिए यहाँ पर कि आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई हिस्सा निर्यात किया जाता है। यह भारत का विदेशी पैसा लाने का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी के तट पर स्थित है और 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु, कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पोर्ट है, पतन है, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करती है। अब गुजरात का अपना ही पोर्ट है बहुत सारे, परंतु अब क्या हुआ, हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब देखिए दूसरा, ओसाका, हम लोग भारत में और दूसरे देश में क्यों तुलना करें, क्योंकि भारत में जो भी उद्योग बने हैं वो यहाँ पर सामान की उपलब्धता, लेबर की उपलब्धता, अनुकूल वातावरण के कारण है। वहीं पश्चिम में ऐसी बात नहीं है, पश्चिम में जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब प्रौद्योगिकी का नमूना है। जैसे ओसाका में देखिए, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास नए भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। कोसन आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से यहाँ उपलब्ध है। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर ही निर्भर है।
आगे देखिए, कपास यहाँ कहाँ से जाएगा, तो मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। कल्पना कीजिए, यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है? बहुत अधिक। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, दो सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में एक डैनी है और बेंगलुरु में एक स्मिता एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है तब डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है और अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेजती है। इस प्रकार वे संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है मानो दोनों सटे कार्यालयों में बैठे हुए हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी क्या है भाई? उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम वितरण को व्यवहार में लाते हैं। कौन? तो उद्योग। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया, यानी ग्लोबल हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है, जहाँ इसका नाम सिलिकॉन पठार पर है। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है, यानी अमेरिका की बात हो रही है, जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है, यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थिति लाभ को नीचे दिखाया गया, देखेंगे हम लोग और इस समय देखेंगे क्या क्या मैटर दोनों में समानता है। और देखिए यहाँ पर बेंगलुरु के कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और सुसंस्थान हैं, जैसे इसमें क्या क्या है, BELBL, BHEL, HAL हाल, NAL नाल, DRDO, ISRO, ITI, IISC, NCBS और UAS, ये सब के सब बेंगलुरु में काम करने वाले कंपनी कारखाने हैं। इसके बारे में पता कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी के नाभि क्षेत्र हैं। केंद्र कौन कौन? तो मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची और चंडीगढ़ भी सूचना प्रौद्योगिकी के नए नए क्षेत्र हैं जो बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं। यह नगर धूल मुक्त है। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो धूल से उनको बचाना चाहिए। यह धूल मुक्त शहर है और यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्चा भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने ही की थी, तभी तो यह विकसित हो गया। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध होते हैं, लेबर भी अधिक मौजूद हैं। यह सिलिकॉन पठार बेंगलुरु का अवस्थितिक लाभ है। वहीं कैलिफोर्निया के बाज़ार में देखिए यह क्या है, यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्रों का समीप कहाँ, तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है। सुहावनी जलवायु है, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान है। मुख्य सड़क व हवाई पतन के समीप स्थित है। बाजार और निपुण कार्यबल तक अच्छी पहुँच भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो समझ गए दोनों में क्या क्या समानताएँ हैं और क्या क्या असमानताएँ हैं, कि आप जानते हैं बताइए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं? पहला क्वेश्चन, वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। दूसरा, ज्ञान फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधाएं जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अवशिष्ट निपटान क्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। सबके सब उच्च प्रौद्योगिकी के सबके सब लाभ हैं। और कुछ और तथ्य देखते हैं हम लोग। बंगलोरी होना, ये
कैलिफोर्निया में या जब पश्चिम में किसी की नौकरी चला जाता है उसको कहा जाता है बंगलोर हो गया भाई। कैसे? इसका तात्पर्य है बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना। यानी कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी की नौकरी भारत जैसे देश में बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्स हो गई, जहाँ कम वेतन पर उसी क्षमता का निपुण श्रमिक उपलब्ध था। इसी को कहा गया बंगलोर, बंगलोरी होना। यानी सबका सारा नौकरी कहाँ चला गया? तो बंगलोर में चला गया। और उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं बंगलोर के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है, तभी तो आज इतना विकास हुआ है। चलिए अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। पहला, उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? उद्योग का मतलब क्या है? कि जो संसाधन है उसका इस्तेमाल आर्थिक दृष्टि से लाभ के लिए किया जाता है, यह उद्योग का मुख्य कार्य है। दूसरा, वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? हम पूरे शुरू में देखे थे ना, ये कि उद्योग था इस तरह था, यहाँ पर सबसे पहले उसको ज़मीन चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, फिर श्रम चाहिए, श्रम के साथ उसको यातायात चाहिए, फिर सूचना चाहिए, शक्ति यानी बिजली चाहिए, जल चाहिए, और वहाँ का वैसा माहौल चाहिए, प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहिए, तब उद्योग बन जाएगा। कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है? क्यों? इस बात अब कल्पना कर सकते हैं कि इस पास से क्या क्या हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुई थी? क्योंकि उस समय मुंबई में बहुत अच्छा पोर्ट था, जिससे बाहर से आयातित जो इसमें उपकरण थे, मशीनरी थे, वो आ पाए थे। पहला, दूसरा कि वहाँ पर जो सस्ते श्रमिक और दक्ष श्रमिक उपलब्ध थे। तीसरा कि वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में कपास की अच्छी फसल पैदावार होती थी और बाजार के लिए भी तो पतन था, जो यूरोप तथा भारत के समस्त क्षेत्रों तक उसकी पहुँच थी। बंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या क्या समानताएं हैं, ये तो हम आपको अभी ही बताए हैं, तो दोबारा ना बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है तो ये कैलिफोर्निया में। और आगे, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो कौन है? जूट। और अंतर स्पष्ट कीजिए, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कृषि मतलब क्या? मानव मेहनत करेगा, खेती करेगा और फसल उपजाएगा, उसे जो निकले उत्पाद होंगे वो कृषि उत्पाद होंगे। और खनिज यानी जो मानव क्या करेगा, यहाँ पर दिमाग लगाएगा, मशीन ले जाएगा और इसको खनन का कार्य करेगा और पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ खनिज निकाल लेगा, तो और उससे संबंधित जो उद्योग हैं वो खनिज उद्योग हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में के उद्योग बताइए भाई। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रायः ऐसे उद्योग होते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई रहा नहीं। अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी इस्पात उद्योग हैं, निजी क्षेत्र में भी सार्वजनिक उद्योग हैं। अब प्राइवेट क्षेत्र में भी दूध की कंपनियाँ हैं और प्राइवेट क्षेत्र में भी दूध की कंपनियाँ हैं। और सरकारी क्षेत्र में भी बीमा कंपनी हैं, प्राइवेट क्षेत्र में बीमा कंपनी हैं। लेकिन अंतर करना है तो अंतर सिंपल वही बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या, जिसका सब कुछ करता धरता सरकार हो। वहीं प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट आदमी का हो सब कुछ या एक समूह का हो। आगे बढ़ते हैं। कच्चा माल, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो दो उदाहरण। कच्चा माल, दो कृषि उत्पाद एक कच्चा माल है, और आयरन ओर्स कच्चा माल है। अंतिम उत्पाद बिस्कुट अंतिम उत्पाद है, और कार से क्या बनेगा, रेल की पटरियाँ, घर के दरवाजे, प्रेशर कुकर अल्मीनियम से बनेगा, मारुति जो कार होता है, बस ट्रक, ऐसा लाठ उत्पाद है, चम्मच लोहे का उत्पाद है। और टर्शियरी क्रियाकलाप बताइए, जैसे सेवा क्षेत्र यानी बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म। और कृषि आधारित उद्योग, तो बेकरी उद्योग, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा यानी कि हैंडक्राफ्ट बनाएंगे, कपड़ा बुनकर। दूसरा, टेराकोटा का काम कर चीनी मिट्टी बनाएंगे, या जो प्राथमिक जो कृषि उत्पाद है इसी को प्रसंस्कृत करके अचार बनाकर बाजार में बेचेंगे, जैसे कुटीर उद्योग है। सहकारिता यानी इसमें पढ़ाई है, अमूल और सुधा का नाम आता है, बहुत जगह सब्जी मंडियाँ भी सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब इसे ना पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो लास्ट चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन, और थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ दिए हुए हैं। देवलोपन द्वीप पर प्रस्तावित, ओहो देवलोपन द्वीप कहाँ हो गया भाई आपका? यही देवलोपन द्वीप है, और इस पर आप रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा।
तो ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, तब अगले अध्याय में मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ है। तब तक धन्यवाद, आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।